सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब च बीजेपी सरकार दे नुमाइंदियां वल्लों सीएम कैप्टन दी सरकार खिलाफ एक दिन दी भुख हड़ताल शुरू कीती हुई है जिस च बीजेपी दे महासचिव राहुल महेश्वरी भी अज भुख हड़ताल ते बैठे हुए हैं। इस मौके महेश्वरी ने कहा कि पंजाब सरकार लोकां दी सहायता नहीं कर रही है। इस औखे समय च जो केंद्र सरकार वल्लों पंजाब दे लोकां लई सहायता राशि दित्ती गई सी पर ओह लोकां तक नहीं पहुंच रही है जिस कारण अज पंजाब सरकार खिलाफ सारे बीजेपी नुमाइंदियां वल्लों एक दिन दी भुख हड़ताल रखी गई है। ऐसा है कि अज पूरे पंजाब भर दे विच साढ़े सूबा प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी के आह्वान से अज बूथ स्तर तक का हर एक कार्यकर्ता एक दिन के उपवास से बैठा है और यह सानू विवश हो गए मजबूर हो गए अज बैठना पै रहा क्योंकि पंजाब की जनता त्राही त्राही कर उठी। पंजाब की जनता इस कोविड 19 के लड़न वास्ते तैयार है लेकिन जी राहत समग्रियाँ जी जनता प्रोवाइड कर देनी चाहिए सी देने सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है नाकाम रही है और मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा फेलियर है कैप्टन साहब की सरकार का। अज 28 मार्च तो अज तकरीबन 1 मई हो गई है करीब 77,000 मीट्रिक टन अन्न दालां अते चीनी केंद्र की सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा पंजाब के सूबे के 1,42,00,000 जनता से भेजा गया लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह जरा अनाज जरा 1 महीने तो वह समा हो गया जरा पंजाब भेजा गया वह हाले तक कितने भी वंडिया नहीं गया और गरीब जनता जी हैगी है पंजाब की 1,42,00,000 जनता इस पांच वंचित रह गई है और यदी सारी जिम्मेवारी पंजाब दे राज कर रही कैप्टन की कांग्रेस की सरकार है क्योंकि वह सेवा नहीं कर रही राज कर रही है महिला तो जी है सरकार चलाई जा रही है। कैप्टन साहब फोन के उत्ते अपने डीसी SSP ने पूछ रहे हाँ जी कैसे हो जी ठीक हो ठीक चल रहा लेकिन और ते कोई सर्विलेंस नहीं है दे आर नॉट विजिलेंट कुछ नहीं वो देख रहे कि इतों के जोड़े अफसर है गए या होर लोग DFE के लोग जोड़े है या जी समगरी इतनी आई है उन्होंने वंडिया जा रहा कि नहीं वंडिया जा रहा और साड़ी केंद्र की सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि हर गरीब आदमी 3 महीने अगले 3 महीनों तक करीब 5 किलो आटा और 1 किलो दाल 1 किलो चीनी चना जरा कि अगले आने वाले 3 महीनों तक एक एक महीने वास्ते मतलब कोई 20 किलो के करीब राशन दिता जाएगा लेकिन हाले तक 1 महीना बीत गया और राशन पिया सड़ रहा लेकिन किसी गरीब के मूँह नहीं जा रहा। साढ़े सूबा प्रधान ने 2-3 वारी चीफ सैकटरी ने भी गल की ईवन ऑल पार्टी मीट के CM साहब ने भी आग्रह किया गया कि वो जो राशन आया वो लोगों से वंडिया जाए क्यों नहीं वंडिया जा रहा लेकिन जी कुंभकनी नींद सुती सरकार है ये सिर के उत्ते कोई जू नहीं रेंगी इन्होंने कुछ नहीं किया कोई उपराला नहीं लिया। मैं मानता कि लोगों ने साड़ी पार्टी के तकरीबन हर एक लीडर ने कार्यकर्ता ने सब ने अपने लोग यथा योग्य यथा संभव जो सर सकया उन्होंने वंडिया कई वॉलंटियर एसोसीएशन होर भी है समाज के जिन्होंने वध चढ़ के लोगों ने गरीब जनता के वास्ते अपने को जो संभव हो सकया उस समान राशन राहत समगरी वंडी है लेकिन जी मुख्य रूप से जिम्मेवारी कैप्टन सरकार की चाहिए सी उन्होंने 2-2 मंत्री इतने है 4-4 MLA इतने है पूर्व मंत्री भी इतने है लेकिन उन्होंने कोई उपराला नहीं किया गया कई मंत्री पूर्व मंत्री तो हाली वक्त तक पहला आके तो समान वंडना जिन्होंने शुरू किया वा कई कई MLA ऐसे जिन्होंने अपने घरों ही निकलना अच्छा नहीं समझा लेकिन यह जी नाकामी की है यदि सारी सारी संपूर्ण रूप से जिम्मेवारी जी है फेलियर की वह कैप्टन साहब दिते जाती है। इस तरह जी करन ते कहन दे कथनी बहुत फर्क है साड़ी सरकार नू कह रही जड़े कि भी कुछ नहीं किया गया या कुछ नहीं भेजा गया यह तो पंजाब की भोली भाली जनता गुमराह करने वाला काम करीब 7,000 करोड़ रुपये की राहत जी हाल तक दी जा चुकी है और उस तो अलावा डायरैक्ट ये तो सरकार को दी गई है डायरैक्ट उज्ज्वला योजना के तहत जन धन योजना के तहत गरीब जो श्रमिक लोग है उन्होंने खात्या के तहत जी सेंटर की पेनशन आ रही है 500 रुपया वृद्ध वृद्धा के उन्होंने अकाउंटा 2,000 रुपया किसान के जो अकाउंटा पैसे 382-385 करोड़ रुपया जो भेजा गया वो वक्रा है
285 करोड़ रुपया की पहली किश्त जी 25 मार्च में डिजास्टर रिलीफ फंड आ चुकी जी योजी जी महामारियां फैलदियां उन्होंने जो दिता जाता केंद्र वालों 285 करोड़ की है कि मार्च महीने की 25 मार्च तक रुपया आ चुका रुपया कितने लगा 2667 करोड़ इफ आई एम नॉट रोंग 2667 के 77 करोड़ रुपए के करीब की पहली किश्त GST की भी सरकार साड़ी भेज चुकी है अप्रैल की 28 तरीक न मार्च की 28 तरीक वो कितने रुपया है वह उज्ज्वला योजना के तहत करीब 3,21,000 परिवारों के 780 रुपए के हिसाब के नाल साड़ी केंद्र की सरकार ने गैस के संबंध में रुपया भेजा वा लोगों के अकाउंटा कोई 16,00,000 श्रमिक जोड़े है उन्होंने अकाउंट 385 करोड़ रुपया साड़ी सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया वा नैशनल हैल्थ मिशन के तहत 112 करोड़ रुपया भेजा गया साड़ी सरकार के जेडे तुम अपने आप में टोटली इक्विप्ड रहन डॉक्टर की सुविधावान से PPE किटा लैन सैनिटाइजर मास्क लैन होर सुविधावान जी रहनी उस 112 करोड़ रुपया हैल्थ मिशन भी भेजा गया वा होर अनेक रुपये जोड़े है जनधन योजना के तहत भी भेजा गया और सब तो बड़ी राहत समग्री है कि 77,000 मीट्रिक टन अन्न भेजा गया वा दालों वक्रिया 16,000 मीट्रिक टन के करीब भेजी गई हैं और लोगों को सुविधा तो तुम देनी चाहते नहीं गए फिर तुम राहत समग्री की तुम्हें की पता कि आया कि नहीं है तुम इस रुपये में भी कितने होर मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि कितने वरतोगे कितों नहीं वरतोगे या तो UC भेजो तुम जो बाकी पेंडिंग वो भी आ देंगे पहली UC नहीं जाती गई तो दूजा अगला राशन की समग्री राहत दी कितों तुम आ जाए किश्त आ जाए अमृतसर तो ज्योति बैल दैनिक सवेरा TV